अच्छा बम बोले करेगा, बम बोले बम बोले बम बोले बम। ट्रेन आ गई, चल बाय बाय। हेलो गाइज, मेरा नाम है देवरत राणा और आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी को राम राम और आप सब अच्छे होंगे। तो अभी अभी सुबह सुबह मैं नहा धोके हो चुका हूँ रेडी, क्योंकि सुबह को छोड़ने जाना है। तो नाश्ता आ चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बना है सुबह सुबह। ये देख सकते हो, चाय है, आलू है और 2 रोटी है। जल्दी से खाते हैं, फिर लेट हो जाएंगे क्योंकि सुबह की ट्रेन ना छूट जाए, इसलिए जल्दी से चलते हैं। देख लो, जाने की ताक में बैठा है शिवा राम। ओए रुक जा, इधर से कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये तो बता, कहाँ जा रहा है? अहमदाबाद जा रहा, चले। हम आ चुके हैं बड़ौद रेलवे स्टेशन पे, तो देखते हैं अभी ट्रेन कितनी देर में आएगी। ये देख लो, पापा और शिवा जा रहे हैं बैग पकड़ के। ये देख लो, सामने मालगाड़ी खड़ी है, बहुत ही लंबी है मालगाड़ी। आज तो दीदी ने कुली बना दिए। ये आ चुकी है ट्रेन, तो अभी तैयारी कर रहे हैं, बैग वैग उठा लिए हैं सब ने। ट्रेन आ गई, चल बाय बाय, उठ जा। तो शिवा तो बैठ गया अभी ट्रेन में, अभी थोड़ी देर में चलने वाली है ट्रेन, फिर बाय बाय करके अपना चलेंगे घर। शिव जा रहा, बाय शिवा, बाय बाय बाय। आता नहीं, नहीं आ रहा, क्यों, कहाँ जाएगा? यूरोप मिस हो गया लोग। आ जा चले, और नानी के पास जाएगा, नानी के पास। अब कैसे उतरेगा ये बता, कैसे उतरेगा, क्यों चढ़ा था इस पे? हाँ मैं कहाँ चढ़ाया था, आपने अभी तो चढ़ाया था, उतर अब। शिवा को और दीदी को और जीजू को अच्छे से बैठा दिया था ट्रेन में, और ट्रेन जब चली गई, जब हम चले हैं, अभी चलते हैं बस घर जाएंगे, सीधा घर मिलते हैं आपसे। थोड़ी देर फाटक पे रुकना पड़ा क्योंकि ट्रेन आ रही है, लगभग हमें 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर खड़े खड़े हुए। आपको दिखा देते हूँ, ट्रेन आएगी, आने लग रही है, आवाज भी आ रही होगी आपको। ये देख लो कितनी आवाज कर रही है, ये देख लो आ चुकी है ट्रेन, बहुत मंदी आ रही है क्योंकि यहाँ पर स्टेशन है थोड़ी ही दूर, तो रुक जाएगी ये बड़ौद, तो धीरे धीरे चल रही है यहाँ पर। चलो ट्रेन तो जा चुकी है, और अभी ये सामने से ट्रेन वो संकल हट जाएगी, ये फाटक ये जोन से वाले हैं ये खराब हो चुके हैं, तो यहाँ पर संकल लगा रखी थी, तो ये 38 हार चलेंगे हम भी, चल पड़े हैं हम। ये देख लो मोटरसाइकिल की भीड़ देख लो, पहले मोटरसाइकिल की भीड़ को ही जाने दो, पुलिस वाले भैया ये कह रहे हैं एक बार मोटरसाइकिल निकल जाने दो फिर आप निकल जाना, क्योंकि हमारी गाड़ी है और मोटरसाइकिल वाले बहुत ही ज्यादा भीड़ लग। ये देख लो कितनी दूर तक गाड़ी गाड़ी और ट्रैक्टर टेम्पू सब खड़े हैं बहुत दूर दूर तक, और हम तो निकल के आ चुके हैं फाटक पे से, तभी कितनी दूर तक ये गाड़ी मिल रही है अभी, तो बस मिलते आपसे सीधा घर ही। मैं आ चुका हूँ घर, और अभी देखते हैं ऊपर चलते हैं, छोटी बेबी क्या कर रही है, मम्मी तो नीचे अभी क्या लाया मैं, अले छोया भी नहीं, ये लो भाई ये, ओहो ओहो नन्नो के खिलौने। हाय छाया, हाय हाय हाय, ये कितना सोना चुआ। क्या है चुआ, थोड़ी है ये, पता नहीं यार मुझे तो पता नहीं क्या बना रखा ये नन्नो।
इसका बांधने को होगा ना, इसे दे दो। वो भी दे। ये हे। चलाओ भाई। मैं बुढ़ो से आते सार सो गया था और खाया कुछ भी खाया पिया नहीं क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, पता नहीं क्या हुआ। तो अब बस अभी अभी उठा हूँ, थोड़ी देर हुई है। और तो अभी मैं छोटी बेबी को दिखाता हूँ क्या कर रही है वो। छोटी बेबी ये बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले, ये बम बोले बम बोले बम बम बोले बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बम बोले बम बम बोले बोलो 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 बम बम बोले बोलो बोलो नन्ना बम बम बोले बम बम बोले बम बम बोले 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 बम बम बोले बम बम बोले। शिव कहाँ है बाबू? शिव कहाँ गया? गया अल्लाह भाई। चीवू कहाँ गया? चीवू अच्छा बम बोले करेगा। बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम बोले बम। छाया क्या बना रहे हो? दाल बनाई लहसुन की और मूंग की, मिक्स मिक्स है ये, सेमी होगी, ठंडी होगी मतलब। अच्छा ठंडी हो गई थी थोड़ी ये जरा। पापा की रोटी खा रहे। अच्छा मतलब ज्यादा भी ठंडी नहीं, नॉर्मल ठंडी हुई है। हाँ क्या नहीं था मतलब। तो जल्दी से मेरे भी गाल दो, मुझे भी भूख लग रही है बहुत ज्यादा। छोटी बेबी को थोड़ा सा जुकाम हो गया तो मम्मी देख लो छोटी बेबी को विक्स कैसे सुंघा रही है, और छोटी बेबी सूंघ रही है अभी बहुत ही वीडियो बनाने से पहले बहुत ही ज्यादा अच्छे से सूंघ रही थी। हाँ ऐसे ऐसे सूंघ रही थी छोटी बेबी। अभी जल्दी से मैं दवाई लेकर आ चुका हूँ क्योंकि जुकाम ना हो छोटी बेबी को, फिर हम भी परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए मैं दवाई ले। ये मम्मी का है। बना हो चुका है डिनर टाइम, तो खाते हैं वो मिक्स दाल है और दूध अपना, दो रोटी है तो आराम से खाते हैं, और साथ में देसी घी भी है मेरा खाना तो हो चुका था, मैंने खा लिया था। और अभी करते हैं इसको ब्लॉग को यहाँ पर ही समाप्त। आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को देखते रहना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और कमेंट करके बता सकते हो अच्छी लगी है बुरी लगी है मेरा व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।